हे गाइस, दिस इज योर गर्ल सूजी हियर। वेलकम टू माय चैनल बी स्टाइलिश फैम। एंड आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो लोग नए हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन के साइड में ही है, ताकि आप लोग मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। सो वेलकम बैक टू माय वेडिंग सीरीज जो कि मैंने कल से स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों ने मेरे कल का वीडियो देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आई मीन कल के वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक वेडिंग सीरीज़ है, जैसे कि आजकल शादियों का मौसम पूरा चल रहा है, सो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो कल जैसे मैंने दिखाया था हेयर्स को कैसे इजीली स्टाइल करना है, सो यस, सो आज का वीक के ऊपर है, दैट हाउ टेक केयर ऑफ आवर स्किन बिफोर वेडिंग, कैसे अपने चेहरे को पूरा ग्लोई बनाना है। ये वीडियो ना कि उन लोगों के लिए है जो लोग शादी में जा रहे हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दुल्हन ऑल्सो, क्योंकि उनको भी तो शादी के दिन सबसे सुंदर लगना है। तो ये फेस केयर का रूटीन सिर्फ आप लोगों के लिए है। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यस, ज़्यादा बातें ना करते हुए, सो लेट्स जंप टू माई वीडियो। सो यस, स्टेप वन, सो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने फेस को धोते हैं यूजिंग व्हाट, फेस वॉश। बट वेट अ सेकंड, आज हम लोग कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, वी आर सिंपली यूजिंग DIY। सो फेस पैक भी क्यों ना हम लोग DIY से क्रिएट करते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू टेक ग्राउंड फ्लोर, दैट इज बेसन, जो आप लोगों के किचन में इजिली आप लोगों को मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल है। सो बेसन एंड गुलाब जल, सो दोज आर द परफेक्ट इन्ग्रीडियंट्स, तो इससे आप लोग अच्छे से मूव हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने खोल लिया, एंड इसके साथ इसको मिक्स करना है, मिक्स कर लिया, सो एंड बस इसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है। एंड इस गुलावरी का स्मेल बहुत ही सुंदर है, ऑब्वियसली रोज वाटर का स्मेल तो सुंदर ही होगा। अच्छे से जितना आप लोग को चाहिए मिक्स करके आप लोग जस्ट लगाते जाइए। ओप्स, बाल गिर रहे, सो बाल इधर उधर आ रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है पहले अपने अपने बाल को बांध लीजिए। सो बाल बांधने के बाद अच्छे से उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, नेक को भूलना नहीं है, अच्छे से नेक एंड फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एंड सिंपल पानी से धो लेना है। सो इधर मेरे पानियों का अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं जल्द धो के आती हूँ। सो वन साइड, सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपना फेस धो के आई हूँ, सो एक क्लीन टॉवल से या कुछ हैंकी से आप लोग अपना फेस डैप करके पोंछ लीजिए। सो फेस स्क्रब बनाने के लिए हम लोग लेंगे पहले शुगर एंड कॉफ़ी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मिक्स करने के बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे हनी, जो कि स्किन में अच्छा से ग्लो देगा आप लोगों को। फिर हनी भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, फिर ऐड करने के बाद जितना अमाउंट में आप लोगों को चाहिए ऐड ले लीजिएगा। फिर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एंड मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग जैसे देख पा रहे। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है। सो यस, जस्ट आप लोग को फेस वॉश की तरह यूज़ करना है, ना कि फेस वॉश यूज़ करना है। सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू, सो जैसे कि मैंने दिखाया है कैसे बनाना पड़ता है, ये आपका स्क्रब है। सो जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स एंड योर स्क्रब इज रेडी। सो अपना हाथ से ये ले लीजिए, हाथ से यूज़ करने में जो आसानी होता है ना, बाकी किसी चीज़ें, कॉफ़ी का स्मेल बहुत अच्छा लगता है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन किस किस को कॉफ़ी का स्मेल ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड खाने में। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लिया, एंड अभी आप लोग को जैसे आप लोग स्क्रब करते हैं, अब पूरा फेस में लगाने के बाद वी हैव टू स्क्रब आवर नोज, जहाँ पे पोर्स, आई मीन जहाँ पे व्हाइट हेयर्स होता है, ब्लैक हेयर्स होता है, तो इसको हटाने में आप लोगों को हेल्प करता है। सो यस, सेम प्रोसेस। एंड शुगर बहुत हेल्प करता है ये स्क्रबिंग में। सो ये आप लोग अराउंड 5 मिनट्स तक स्क्रब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पानी से धो लीजिएगा, सिंपल। अभी बनाएंगे फेस पैक, जिसके लिए हम लोग को चाहिए मलाई, फुलर्स अर्थ एंड हल्दी। सो
हल्दी में अम्ली ही हम लोग ऐड करेंगे, फुलर्स अर्थ जो कि है मुल्तानी मिट्टी। फिर मुल्तानी मिट्टी में हम लोग ऐड कर लेंगे मलाई। सो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा और पानी का ज़रूरत पड़े तो आप लोग ये गुलाबरी ऐड कुछ कर ऐसा लीजिए। दिखेगा गुलाबड़ी ऐड करने के बाद। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपना फेस धो के आई हूँ एंड वेट ड्राई टॉवल से अपना फेस को डैब डैब करके पोंछ ले रही हूँ। सो ट्रस्ट मी गाइस, ये आप लोग के स्किन को इतना सॉफ्ट बना देता है ना। आई मीन सीरियसली, आप लोग खुद ट्राई कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ हुआ कि नहीं। सीरियसली ये बहुत ही सॉफ्ट बना देता है एंड स्किन का ग्लो तो आप देख ही सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं स्टेप 3। सो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सो ये रहा ये फेस पैक जो कैसे मैंने ये बनाया आप लोगों को अभी आप लोगों ने देखा है। सो यस लेट्स जस्ट अप्लाई इट। सो स्पून से ही अप्लाई कर लेते हैं, नहीं हाथ से कर लेते हैं। लगता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं मम्मी लगा देगी। पूरे फेस एंड नेक में आप लोग को यूज़ करना है एंड ये जो 3 स्टेप्स है सो ये सिर्फ दुल्हन एंड जो लड़की है क्यों यूज़ करेगी। ऑब्वियसली दूल्हा कैन ऑल्सो यूज, उन लोगों को भी तो प्रिटी लगना होता है, आई मीन हैंडसम लगना होता है, गोरा चिट्टा लौंडा, आई मीन उन लोगों को भी तो हैंडसम लगना होता है ना। सो एंड स्किन में ग्लोई किसको नहीं पसंद। 10 मिनट में ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, फिर अपने आप नॉर्मल वाटर से आप धो सकते हैं। सो ये जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी, ये दिस दो सी स्टेप्स नॉट ओनली फॉर दुल्हन, फॉर दुल्हा ऑल्सो, दे ऑल्सो कैन ट्राई, दे ऑल्सो नीड टू बिकम लाइक लुक ग्लोई इन द डे ऑफ वेडिंग। सो यस स्टे ट्यून्ड। सो मैं लगा लेती हूँ फटाफट। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा सूख गया है, तो अभी अच्छे से मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ये धो के आती हूँ, फिर मिलता है। सो यू कैन सी द ग्लो इन माई स्किन एंड आई एम क्वाइट लविंग इट, क्योंकि कल एक शादी भी है। सो कल एक शादी भी है जो अटेंड करना है। सो दोनों काम हो गया, वीडियो रिकॉर्ड करना भी हो गया, अपना केयर लेना भी हो गया। सो यस, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने आप लोग ट्राई करेंगे कि कमेंट कमेंट सेक्शन कि आप लोग को ट्राई करके कैसा लगा एंड आप लोगों को मेरा वेडिंग सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर माई शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा एंड आप लोग को यूज करके आप लोग को फायदा हुआ कि नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड यस डू शेयर माई वीडियोज एंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय गाइज।